स्वागत है जी विंटर मोटर होम सीरीज की अगली वीडियो के अंदर। और वॉलमार्ट के बाहर हमने ये अपना मोटर होम खड़ा कर दिया था, अब इसको लेके निकलना है। और मेरी सुबह यहाँ पे घूमते नजर गई तो मुझे दिखा कि इसके ऊपर बाहर कोई पर्ची एक चिपका गया, जरा ही फिर नज़र मार लूँ, मेरे ख्याल से कोई नोटिस वगैरह होगा वार्निंग कि भैया आपने रात को गाड़ियाँ क्यों लगाई है। वैसे तो वॉलमार्ट पे अलाउड होती है, बट ये किस लिए लगा हुआ जरा इस पर नज़र मार लेते हैं। और ठंड आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी है, क्योंकि पूरी जो है ये आइस अंदर बाहर जम गई है। और ऐसा नहीं है कि इस रीजन में स्नो नहीं पड़ती क्योंकि अगर स्नो ना पड़ती होती तो ये ना पड़ा होता है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे भी स्नोफॉल होती है मगर उतनी नहीं होती ऑब्वियसली जितनी टोरंटो ऑटवा के अंदर होती है। और आज मौसम थोड़ा सा बारिश वाला और थोड़ा सा क्लाउडी है, विच इज़ वेरी टिपिकल फॉर वैनकूवर। तो इसीलिए अब यहाँ से बस हम निकलते हैं और जर्नी की शुरुआत करते हैं BC की तरफ। आज से एक्चुअल रोड ट्रिप जो है हमारी शुरू हो रही है, लेट्स गेट स्टार्टेड। उस देश में जिसको अब मैं अपना ससुराल भी कहता हूं, ढलते हुए सूरज और जमी हुई झीलों के नजदीक से उन सुंदर नजारों को जहां पे बादल नीचे और पहाड़ ऊपर हों, एक मोटर होम में अपनी बीवी और आप लोगों के साथ शेयर करता मैं ट्रैवलिंग देसी। तो इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि ये जगह जो है वॉलमार्ट ने भी किराए पे ले रखी है और ये प्राइवेटली प्रॉपर्टी किसी और की है, इसलिए आप यहाँ पे 4 घंटे से ज़्यादा गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। मगर हमें रात को कोई जगाने नहीं आया, उन्होंने बस एक ये नोट छोड़ दिया है, बट हमारा एक रात का काम था हो गया, थैंकफुली उन्होंने हमें जगाया नहीं, बट पता लग गया आगे से यहाँ नहीं खड़ी करनी। शूज जो है ना अपन इधर ही उतार देते हैं, मैडम लगी हुई है लगता है काम में। व्हाट आर यू अप टू, ब्रेकफास्ट? एवोकाडो टोस्ट मिल जाएगा सुबह सुबह खाने के लिए। चलो जी ये वो बहुत बढ़िया हो गया काम। बाकी जी ये जितना आपको मोटर होम साफ सुथरा ऑर्गेनाइज लग रहा है इतना था नहीं, हमने सुबह उठ के थोड़ा साफ किया है क्योंकि वीडियोज बनानी होती है, प्लस ट्रांसपोर्ट के लिए हमें हर चीज ऑर्गेनाइज और टाइट चाहिए वरना हिल हुल के गिरने का खतरा रहता है। और मेन चीज, पूरी रात कल हमने इसका टेम्परेचर जो है ना 21-22 डिग्री के आसपास रखा है। जनरेटर चलाया था मैंने 2-2.5 घंटे जब एडिटिंग और लैपटॉप वगैरह चार्ज करना था, तो उससे कोच बैटरी दोबारा चार्ज हो गई। मगर गुड न्यूज़ ये है कि LPG अभी भी ये फुल दिखा रहा है, यानी ज़्यादा इसमें जो प्रोपेन गैस है वो खर्च नहीं हुई। और फ्रेश वाटर टैंक थोड़ा सा कम हो गया है, ग्रे लगभग आधा भर गया है क्योंकि हम नहाए भी हैं, तो इसीलिए आज रात को हमें कैंप ग्राउंड में जाना पड़ेगा। और वो भी अभी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से ऐसे कैंप ग्राउंड जो विंटर में खुल रहते हैं, क्योंकि विंटर में कैंप ग्राउंड बहुत हद तक मेजॉरिटी बंद होते हैं क्योंकि उनकी पाइपों में पानी वानी जम जाते हैं, वो सब सारी चीज़ें होती हैं। तो एक विंटर कैंप हमें ढूंढना है और हमें खास ये कहा गया है कि जब आप विंटर पे निकलेंगे कॉल अहेड द कैंप ग्राउंड इन टाइम, डोंट रिलाई ऑन देयर वेबसाइट्स इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल मैप, कॉल एंड बुक अहेड, क्योंकि अगर आपको रात को कुछ मिला नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। बट आप इसकी लेयरिंग देखिए यहाँ पे, एक ये जो है ना ये अपने आप में यही बहुत ज़्यादा गर्म है, प्लस जो इसके ऊपर ये मैट्रेस कवर या बेडशीट जिसे बोलते हैं ये भी कंबल टाइप वाली है ताकि नीचे से भी हीट रहे, ऊपर से एक ये और दूसरी लेयर ये, तो और यहाँ तक कि एक्चुअली ये जो पिलो है ना इसके ऊपर भी विंटर मतलब वूलन मटेरियल की है, तो रात को बिल्कुल भी अगर टेम्परेचर आप 16-17-18 डिग्री भी रखें तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती क्योंकि बंदा जो है बड़ी ज़बरदस्त इंसुलेटेड मैट्रेस के अंदर होता है। Looks like I'm making ass, right? Yeah. But I'm not.
फाइन सॉरी, तो लिए से पूछने पड़ेंगे। We have plenty in the bedroom. Okay. तो ये पांडे टीने तुल गए, खाना शाना हो गया और अब महीना चढ़ा है जनवरी का। भाई नया साल है, दिसंबर के महीने में तो आप लोगों को पता है फेस्टिविटीज ज्यादा चलती है, खाना खूना बहुत हो गया, इंडिया भी चक्कर लगा गए हैं, टेट थोड़ी सी बाहर आ गई है फिर से, क्योंकि सारी जो डाइटिंग वगैरह थी जब मैंने यहाँ पे शुरू करी थी थोड़ी सी उसको धचका सा लग गया, तो इसलिए अब जनवरी से हमने सोचा है कि ट्रिप के साथ साथ जो है थोड़ा सा वापस ट्रैक पे आएंगे, क्योंकि हम सब लोगों की जिंदगी में ऐसे फेज आ जाते हैं कि बंदा जो है ना सेकेंडरी कर देता है अपनी फिटनेस को और बाकी कामों में फंस जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मेरा लास्ट ईयर 21 में शुरुआत हुई, जब मैं इंडिया से पहुंचा तो सैंड्रा की इंट्रोडक्शन से, और उसके बाद यूएसए मोटर होम सीरीज, और उसके बाद वापस आया तो अपना खराब वाला जो मोटर होम हो गया था उसको लेके वापस आए, फिर शादी और फिर इंडिया और फिर इंडिया से वापस यहाँ पे, तो इसी भागा दौड़ी में सबकी लाइफ में ऐसा होता है। मगर अब डाइट और न्यूट्रिशन को बैलेंस करते हुए वापस वो करने का टाइम आ गया है, इसीलिए आप लोगों को पता है अपनी जो न्यूट्रिशन की प्राइमरी प्रोटीन की सप्लाई होती है वो तो आती है माय प्रोटीन से, जिसको पहले मैं जरा फटाफट एक शरबत बना लूं अपना जो साथ में रास्ते में लेके चलेंगे ना। मेरा फ्लेवर तो जी आपको पता है फेवरेट सॉल्टेड कैरमल है, मगर आजकल इनका एक नया एक दो दिन पहले अनाउंस हुआ है कैरमल ब्राउनी, वो भी मैं इंडिया जाके जरूर ट्राई करूंगा। बाकी इसके बारे में तो आपको पता ही है, बहुत बार बता चुका हूँ, एक साल से बोल रहा हूँ, यूके का ब्रांड है, डायरेक्टली यूके से शिप होता है, इट्स रियली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। मेरे सारे फ्रेंड्स माय प्रोटीन यूज करते हैं फॉर देयर प्रोटीन सप्लाई। अब जी मैं तो चाहे मोटर होम की जर्नी हो चाहे जिंदगी की चाहे फिटनेस की आप लोगों के साथ ही चलेगी, और अगर आप भी चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं कि साथ मिल मिल के जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें और एटलीस्ट फैसला ये करें कि तवज्जो सेहत को भी उतनी देंगे जितनी बाकी ज़िंदगी में और चीज़ों को देते हैं। और अगर अपनी इस जर्नी में आप माई प्रोटीन को शामिल करना चाहें तो इनकी अब रिपब्लिक डे सेल शुरू हो गई है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 35% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को यूज़ करके माई प्रोटीन की वेबसाइट से ऑर्डर करें। बाकी जी माय प्रोटीन जैसे मेरा कंप्यूटर मेरे कैमरे हर जगह मेरे साथ जाते हैं, वैसे ये भी हर जगह जो है स्पेशल आइटम अपने साथ ही जाती है। बस यहाँ से निकला ही था मोटर होम से कि बस हम निकलने की तैयारी करें तो पाजी आए हुए थे तो ये मिल गए। आपने ढूंढा या आप यहाँ से निकल रहे थे? मैंने आज आपकी जो लास्ट वीडियो है मैंने वो देखी एंड आई जस्ट रियलाइज की जगह वही है जहाँ पे मैं काम करता हूँ। अच्छा, यू वर्क समवेयर अराउंड एंड या लाइक एट द सबवे, यहाँ पे जो सबवे है मैं वहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा, तो मैंने देखा कि ये आप यहाँ पे ये आरवी पार्क्ड है, सो आई जस्ट केम बिफोर माय शिफ्ट लुक्ड हियर एंड या आपकी आरवी यहाँ खड़ी। थैंक यू, एंड आई गॉट लकी विद दैट। बाकी वैसे आप स्टूडेंट हो गए अभी तो? हाँ जी, अभी स्टूडेंट हूँ। कितना टाइम हो गया है? आई केम इन जुलाई, सो अराउंड 6 months अभी हो गए। 6 months तो अच्छे मौसम में आए हो अब जुलाई में? मौसम में अच्छा आया हूँ बट या It was good. अभी कैसा लग रहा है? अभी भी सही है, लाइक इट इज नॉट एज कोल्ड एज ऑटावा एंड टोरंटो और विनिपेग। विनिपेग में -30 सुना है मैंने कल, -30-31 जहाँ पे निखिल मेरा भांजा हाँ जी पढ़ाई कर रहा है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी बेस्ट ऑफ लक। घर की याद तो आती होगी यार? नहीं आती, मौजें चल रही है। I was like very prepared for all this. अच्छा, और वैसे यहाँ टाइम कहाँ मिलता है? कुछ टाइम ही नहीं मिलता है। ये पढ़ाई है। आपके कॉलेज खुल गए हैं? कॉलेजेस अभी मेरे अभी जो नेक्स्ट वीक में मेरी क्लासेस हैं वो मेरे इन क्लास लगेंगे ऑन कैंपस। अच्छा, नेक्स्ट वीक से अभी तक सारा वर्क ऑनलाइन है? हाँ जी। तो यू कैन कम हेयर एंड वर्क पार्ट टाइम एंड जस्ट पढ़ाई ऑनलाइन? ऑनलाइन, ओके चलो ठीक है, यू आर हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। आगे बाकी अब कॉलेज जाने का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। कौन से कॉलेज में? क्वांटलिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी, नाइस नाइस। एंड व्हिच कोर्स आर यू डूइंग? आई एम डूइंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, बैचलर्स या मास्टर्स? डिप्लोमा। डिप्लोमा, ओके बैचलर्स इंडिया से करी हुई है? बैचलर्स मैंने नहीं की, आई केम हियर आफ्टर क्लास 12। वही मैं कहूं, बंदा बड़ा जवान लग रहा है, 12वीं के बाद आया होगा, 12th के बाद सीधा यहां पर डिप्लोमा? 12th के बाद मैं सीधा यहां पर डिप्लोमा। उसके बाद कितने टाइम का? 2 ईयर। 2 ईयर, उसके बाद वर्क परमिट कितने टाइम का मिलेगा? उसके बाद 3 साल का वर्क परमिट। 12th के बाद बंदा डिप्लोमा करे 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है? हाँ जी, ये ठीक है। ऑन द लेंथ ऑफ योर स्टडी, अगर 1 साल की है ठीक है तो आपको 1 साल का मिलेगा, एंड इफ इट्स 2 इयर्स तो 3 इयर्स का। ठीक है, तो 2 साल आपने अकाउंटिंग में डिप्लोमा करना है। हाँ जी, उसके बाद क्या प्लान है? अपना इमिग्रेशन वगैरह, जब वंस आई एम अ परमानेंट सिटीजन ऑफ कनाडा देन आई एम प्लानिंग टू डू माय बैचलर्स। अच्छा, उसके बाद बैचलर्स करोगे सस्ते रेट में, पीआर वाले रेट में? ठीक, वेरी स्मार्ट, चलो बहुत बढ़िया। ठीक,
कोविड छोड़ के चक्कर में. आई होप योर बीसी ट्रिप गोज अमेजिंग. थैंक यू, आई लव बीसी अ लॉट. थैंक यू, थैंक यू. चलिए, ऑलराइट, सत श्री अकाल भाई. ओके, सत श्री अकाल. हैव अ गुड डे. बाय. Okay, we need to heat up the engine. Yes, give me once again. Okay, okay. Looking for the key? No, just making some space. Okay. Ready? Yeah. Hey. Okay. Okay, doll. This needs to go back inside as well. हाँ जी, वैंकूवर छोड़ के अब हम निकल रहे हैं. कई सारे ब्रिज हैं यहाँ पे क्योंकि ये आइलैंड टाइप जगह है ना थोड़ी आसपास. तो यहाँ से निकल के अब अपन हम जाने लगे हैं बीसी की अंदर वापस अल्बर्टा की तरफ. बेसिकली रास्ता ये वही है जो ऑटो टोरंटो को जाता है, और हम जिस शहर जा रहे हैं उसका नाम है केलोना. जबरदस्त फॉग हो रहा है. अब हम चढ़ गए हैं जी हाईवे 1 ईस्ट पे, जो नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कनाडा का, मतलब बिगेस्ट. और अब हमने जाना है सीधा 130 किलोमीटर सीधा. मैंने अपनी पिछली सीरीज में बताया था कि मेरे को एक ये चीज इनकी बड़ी पसंद लगती है कि ये हाईवे का ना ईस्ट और वेस्ट करके बताते हैं. जैसे हम मान लो मथुरा रोड है, मथुरा रोड तो दिल्ली भी जा रही है और मथुरा भी जा रही है. तो अगर मथुरा रोड की जो मथुरा जाने वाली साइड है उसको मथुरा रोड ईस्ट बोलें और दिल्ली जाने वाली साइड को मथुरा रोड वेस्ट बोलें, तो जब आप इंटरसेक्शन पे होते हैं और आपको डिसाइड करना होता है कि मैं लेफ्ट जाना या राइट, अगर पता ना हो तो आसानी होती है. आपको पता है कि भाई ईस्ट में है मथुरा, ईस्ट में ही है ना. हाँ, ईस्ट में है. मैं पता कैसे याद रखता हूँ कि क्या जगह ईस्ट में है क्या वेस्ट में है. मेरी एक टीचर ने मेरे को बताया था, उसने कहा था वेस्ट बंगाल ईस्ट में है. तो उससे रेफरेंस से याद रहता है कि वेस्ट वाला ईस्ट में है, इसलिए मैप में क्या चीज़ कहाँ पड़ेगी. अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और हम रुके हैं, और ज़्यादातर जो है ना हर जगह पे फॉग बहुत ज़्यादा, तो मुझे समझ आ नहीं रहा कि हम ज़्यादा कवर कर पाएंगे आज के दिन में. इसीलिए हमने अभी मोटर होम साइड पे पार्क किया है. बट अभी आगे एक छोटी सी सिटी है यहाँ पे चिलीवैक, वो हम देखने जा रहे हैं जो पहली सिटी आई है रास्ते में. बट फिलहाल क्योंकि ये थोड़ा मैडम को टिम हॉर्टन्स दिख गया, तो उन्होंने कहा कि मैं ज़रा एक कॉफ़ी और सैंडविच तो पकड़ूंगी, तो इसलिए अभी हम यहाँ पर रुके हैं. फिर आगे जाते हैं, देखते हैं छोटे छोटे शहर जो जो रास्ते में आते जाएंगे हम भी देखते जाएंगे, आपको भी दिखाते जाएंगे. क्योंकि फिर ये है कि टारगेट एक बार अंधेरा हो गया तो फिल्मिंग तो ज़्यादा हो नहीं पाएगी, फिर मैं गाड़ी चला के ज़्यादा मीटर पूरा खींचूंगा. रात को केलोना लगा देंगे केलोना, और फिर सुबह उसके आसपास क्योंकि हिल स्टेशन बड़ा प्यारा है वो एक्सप्लोर करेंगे. एक खास चीज आपको दिखाने के लिए रुका हूँ, क्योंकि कई लोगों को कनाडा के बारे में ये साइड का पता नहीं होता जब तक वो यहाँ आते नहीं है. अब आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं ना क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट नेशन. इसका बेसिकली मतलब ये है वो लोग जो कि अंग्रेज़ों के, क्योंकि सारे लोग जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो या ब्रिटिशर्स की या फ्रेंच लोगों की वंशा जाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आके कॉलोनाइजेशन करी थी. मगर जो ओरिजिनल यहाँ के रहने वाले लोग थे, अब आप उनको एबोरिजिनल्स बोल सकते हैं, यहाँ के नेटिव बोल सकते हैं, फर्स्ट नेशन के लोग बोल सकते हैं, या कुछ हद तक रेड इंडियंस भी बोल सकते हैं. जो लोग थे उनकी जो छोटी छोटी पॉकेट्स थी जनरेशन, वो यहाँ पे अब रहती हैं. अपनी उनका आप ही लगा लीजिए कि सोसाइटी में इंटीग्रेशन होती है, बट कुछ उनमें से लोग बिल्कुल अपनी क्लोज कम्युनिटी मेंटेन करके रखते हैं. जैसे ये पीछे एक फर्स्ट नेशन कम्युनिटी दिख रही है, अभी ये बंद है, मैं इसके अंदर जा नहीं सकता कोविड की वजह से. इन लोगों ने लिखा हुआ है कि आर कम्युनिटी इज़ क्लोज. तो ये लोग अपने बहुत अपने साथ जुड़ के रहते हैं, और इनको गवर्नमेंट की तरफ से कई बेनिफिट भी हैं और कई चैलेंजेस भी हैं. ये अंदर एक फर्स्ट नेशन कम्युनिटी है, और ये जो यहाँ पे ये स्टोर्स है ना, इनकी एक बड़ी खास चीज़ होती है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना आवर कम्युनिटी इज क्लोज ड्यू टू कोविड-19, अंदर नहीं जा सकते. मगर एक बड़ी खास चीज़ है इनकी जो मैं भी आपको उतर के कहीं पे बताता हूँ साइड पे लगा के, थोड़ा सा और ये एरिया एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं.
मोटर होम हमने साइड पर लगाया है, सैंड्रा अंदर ही है क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे छोड़ नहीं सकते रोड पे। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा एरिया दिखाऊं जहाँ पे आमतौर पे फर्स्ट नेशन के लोग रहते हैं, तो ये इन मैनी केसेस जो है ना, थोड़े से ऐसा लगता है कि नॉट सो रिच काइंड ऑफ एरिया है। गाड़ियों के पुराने मॉडल आपको नज़र आते हैं, घर थोड़े से पुराने होते हैं, मगर हर शहर में ऐसे एरियाज होते हैं और नॉट नेसेसरली कि सारे फर्स्ट नेशन होंगे या सारे गरीब होंगे। भाई निकल गया, अब बात करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि स्पेशल फर्स्ट नेशन या नेटिव कम्युनिटी को गवर्नमेंट की तरफ से कई बेनिफिट दिए जाते हैं। इनमें से कई लोगों को टैक्स के मेजर बेनिफिट होते हैं। एग्जैक्टली अब हर तरह का स्केल स्लैब क्या होता है क्या नहीं होता मुझे पूरी डिटेल नहीं पता, मगर फर्स्ट नेशन के लोगों को कई बार ये भी कंप्लेन रहती है कि वो डिप्राइव्ड रहते हैं जो कि आम कनेडियंस को बेनिफिट मिलते हैं। तो इसलिए दोनों तरफ के पक्ष जो हैं इसमें आप ये लगा लीजिए कि एक तरीके से दूसरे पक्ष से सेटिस्फाइड नहीं रहते, तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। मगर मैं अपने पर्सनल से एक्सपीरियंस से जितना बता सकता हूँ टैक्स वाली बात का कि इनको टैक्स बेनिफिट कैसे होते हैं या इनके एरियाज़ में कैसा होता है, तो मॉन्ट्रियल के पास एक जगह है खानावाकी जहाँ जो फर्स्ट नेशन कम्युनिटी है, तो वहाँ पे जो है ना अगर कोई ऐसी आइटम जो हैविली टैक्स्ड हो कनाडा में, फॉर एग्जांपल सिगरेट, बंदा कोई लेने जाए मॉन्ट्रियल से निकल के तो वहाँ पे टैक्स फ्री एकदम ड्यूटी फ्री की तरह सिगरेट मिलती है काफ़ी सस्ता रेट, सेम पेट्रोल पे। वहाँ पे पेट्रोल पूरे मॉन्ट्रियल के मुकाबले सस्ता होता हो। आई जस्ट गॉट बैक इन साइड एंड मैडम टोल्ड मी दैट देयर इज अ स्पेशल लॉ फॉर द फर्स्ट नेशन पीपल अबाउट टैक्स। तो होता क्या है जी, इनकी अपनी जो कम्युनिटी होती है गेटेड कम्युनिटी, उसके अंदर ये कोई भी बिजनेस या कोई भी ट्रेड करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है कि कस्टमर बाहर से आके अगर वहाँ कस्टमर्स कैन कम फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो, राइट? द कस्टमर्स डोंट हैव टू बी फर्स्ट नेशन नेसेसरली। नो, एज लॉन्ग एज द बिजनेस इज इनसाइड एंड ऑल द रेवेन्यू आर मेड इनसाइड द रिजर्व, इट्स टैक्स फ्री एंड इट्स ट्रू आल्सो फॉर द प्रॉपर्टी। फॉर प्रॉपर्टी ऑल्सो नो प्रॉपर्टी टैक्स। Everything that is inside the reserve. Okay, so that's why it makes sense why more First Nation people stay in their community, because they have number one sense of belonging, togetherness, and also tax benefit restricted to their zones. Yes, and okay. In addition to that, there's often also housing benefit. Housing benefits. And education. Education benefits, okay, in their community. All right. तो जी ये चीज़ समझ आ गई अब कि वहाँ पे क्यों सिगरेट और दारू और फायरवर्क्स और ये सारी चीज़ें जो हैं सस्ती मिलती हैं। ओके, लेट्स कैरी ऑन। अब जी रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग का काफ़ी हद तक काम जो है वो हो गया है, व्लॉगिंग वगैरह ख़त्म, और अब 3-3.5 घंटे का रास्ता बचा है, तो इसीलिए मैं अब इसको थोड़ा सा चलाता हूँ। देखते हैं अगर अंधेरा होने से पहले रास्ते में कुछ और दिखा तो आपको दिखाते हैं। आई एम सॉरी जी, मौसम आज साथ नहीं दे रहा, वरना नज़ारे मेरे को जो नज़र आ रहे हैं क्लाउड कवर है या फॉग है मुझे नहीं पता, थी थिक वॉल और पीछे पहाड़, बट यहीं से ब्यूटी शुरू होती है और आज कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो और वैसे भी अब तो दिन ढलने वाला है, अब देखते हैं आगे एक अच्छा व्यू पॉइंट आ रहा है, कुछ अगर शूट कर सकें तो आपको दिखाते हैं। भाई जी यहाँ तो नज़ारे ही बड़े ज़बरदस्त है, पहाड़ और पहाड़ों के नीचे बादल, आई मीन अलग ही चीज़ है, थोड़ा सा कोहरा छटा है तो नज़र आ रहा है यार, वाकई। वाओ टोटली वर्थ इट, इसीलिए मैं हमेशा ना ड्राइविंग सीट पकड़ लेता हूँ जब मौका लगता है और इनको रिसर्च हाथ में देता हूँ, क्योंकि जब ये रिसर्च टेक ओवर करती हैं तो ये ऐसी जगह पे ले आती हैं व्हिच इज ओह एब्सोल्युटली गॉर्जियस, ब्यूटीफुल। इफ यू गो जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड डाउन एंड लुक दिस वे, द व्यू इज ब्यूटीफुल वेयर द सन इज शाइनिंग ऑन टू द वाटर। वाओ, गोल्डन आवर। वाओ, हैव अ गुड डे। ओह माय गॉड, दिस इज क्रेजी। Ice on
द लेक, मतलब यहाँ भी इसका मतलब ये लगा लो कि ऐसा कुछ नहीं है कि ठंड बहुत कम रहती हो यहाँ पे भी, बट गोल्डन आवर के तो अपने ही मजे हैं. रियली रियली प्रीटी. वी नीड टू टेक अ लॉट ऑफ फोटोज देयर. आई मीन दिस इज सम प्लेस फॉर रील्स. ओ आगे 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 मैं क्या, व्हाट अ रिसर्च दैट यू डिड, दिस इज सो प्रीटी. ओके वी विल लूज द लाइट इन 2 मिनट. वी विल पिक्चर रील्स इंस्टाग्राम. ओके जी, हमें तो लगा था आज शायद कुछ मौका ना मिले, मगर मौका लग गया और इतना ही टाइम था हमारे पास कि हम इंस्टाग्राम के लिए रील्स बना सकते हैं, जो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके देख सकते हैं. मैडम का है life.with.sandra, मेरा द ट्रैवलिंग देसी. ड्रोन मैंने यहाँ पे नहीं उड़ाया क्योंकि इतना सुंदर नज़ारा था, मैं खुद ही मंत्रमुग्ध हो गया क्योंकि उधर से तो हम साइड से देख ही चुके हैं. बाकी जी आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू ग्रैब डिनर एंड मेक अ लॉन्ग ड्राइव. ओके जी, अब तो दिन बिल्कुल ख़त्म हो गया, इट्स टू डार्क. थोड़ी सी और जल्दी हम यहाँ नीचे पहुँच गए होते ना, तो वहाँ से जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर लाल लाइट पूरी पड़ रही थी, ये बहुत सुंदर लगा था. बट देन देर इज़ ओनली सो मच यू कैन स्क्वीज इन अ सिंगल डे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ घूमना तो नहीं है, शूट करना भी और आप लोगों के साथ शेयर करना भी है. बट ओवरऑल थैंक्स टू यू गाइज, इट हैज़ ऑलवेज बीन एन एन्जॉयबल एंड प्रेजरेबल जर्नी. बहुत हम आप लोगों की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से घूम पाते हैं, अच्छी लाइफ दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर पाते हैं. वेरी थैंकफुल टू यू. किसी भी अच्छी जगह आता हूँ तो बार बार ये फीलिंग आती है. बाकी जो वीडियो ये वाली पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा. चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.